घर बदलना आसान काम बिल्कुल नहीं है। अभी मैंने हाल ही में अपने घर को शिफ्ट किया है और घर बदलते वक्त सबसे ज़्यादा चिंता मुझे तो अपने पेड़ पौधों की रही। कई लोग आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ अपने महंगे टीवी सेट, महंगे बेड, महंगे कपड़े और ज्वेलरी, इन सब की ही चिंता करते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पौधों की ही चिंता थी कि ये मेरे प्यार से पाले हुए पौधे अच्छे से अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे अपने प्यारे पौधों को नई जगह में शिफ्ट करें, वो भी हंसी खुशी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन की बातें। जितना नई जगह पे जाने का एक्साइटमेंट है, उतना ही ज़्यादा चिंता इन पौधों की लगी हुई है, क्योंकि कई पौधे बहुत ही डेलिकेट होते हैं। उन्हें एक दो दिन भी अगर एक अलग एटमॉस्फेयर मिले, एक नया टेम्परेचर मिले, तो ये मर भी सकते हैं। इसीलिए पहला तो अगर आपको ये पता है कि आपको घर शिफ्ट करना है, तो आप ऐसे ही पौधे लगाओ जो कि आसानी से किसी भी टेम्परेचर के चेंज को एक्सेप्ट कर सकें। ये बात मुझे पता थी कि कुछ ही दिनों में मुझे शिफ्ट होना ही है, तो मेरे गार्डन में ज़्यादातर वेजिटेबल्स ही लगी हुई थी, जो कि मैंने थोड़ी इधर उधर दे दी, कुछ अपरूट कर दी और कुछ सीड्स तो फिर मैंने अपने कंपोस्ट में ही डाल दिए। फ्रेंड्स, अभी मेरा गार्डन फर्स्ट फ्लोर पे है और इसको मैं ग्राउंड फ्लोर पे अब शिफ्ट करने वाली हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा मेरे को जगह मिलेगी, तो इस चीज़ का और भी एक्साइटमेंट है कि ग्राउंड फ्लोर पे मुझे नई सॉइल के अंदर और ज़्यादा जगह में क्या क्या सीड्स लगाने होंगे। टोटल ऐसे 8 पॉइंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी रहे मेरे इस ट्रैवल प्लान के अंदर। पहला पॉइंट है पॉट्स, यानी कि गमले। आपके गमले आपने कितने पुराने हैं, कितने नए हैं, आपको लगता है कि वो ट्रैवल का प्रेशर झेल पाएंगे? क्योंकि जब लोडिंग और अनलोडिंग होगा, मिट्टी के गमले ज़्यादातर टूट जाते हैं, प्लास्टिक के गमले भी टूट जाते हैं, तो इसीलिए आप पहले ही ये डिसाइड कर लो कि ये गमले आपके और चलेंगे या नहीं चलेंगे। और बेटर होगा कि आप अपने गमलों को डोनेट कर दो, इधर उधर दे दो, क्योंकि फिर वो टूट जाएंगे और बेकार ही हो जाएंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिट्टी, यानी कि सॉइल। मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा, मैं हमेशा कंपोस्टिंग करती हूँ। कंपोस्टिंग कर करके मेरी मिट्टी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है कि अब तो मेरे को इसे फेंकने का भी मन नहीं कर रहा था। तो कुछ कंपोस्ट के जो भी मेरे ग्रो बैग में बने हुए थे, वो मैंने सीधा सीधा एक बोरी के अंदर एक के ऊपर एक रख के और उसको मैंने ट्रक के अंदर लोड करवा दिया। कुछ और भी गमले थे जिसके अंदर मुझे लग रहा था बहुत अच्छी मिट्टी बनी हुई है, तो उसको भी आप अलग से बोरी बना के पैक करके लगा सकते हो, वो भी ट्रक में आसानी से लोड हो जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमारे पौधे। अब इन पौधे को हम किस तरीके से पैक करें, ये सबसे ज़रूरी बात है। जब इनको पैक करना है, एक दिन पहले आप इनको पानी दे दो, इन पौधों की रूट्स पूरे अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर लें, उसके बाद आप इनको अपरूट करके अच्छे से पैक कर लो, जिस तरीके से ये मैंने किया है। प्लांट चॉइसेस हमारी सबसे ज़रूरी होती हैं जब हमें पता है कि हमारा शिफ्ट करने का जॉब बना हुआ है। इसीलिए ऐसे ही पौधे आप चूज़ करो जो आसानी से आप शिफ्ट कर सको। जिन पौधों की हाइट कम होती है, वो आसानी से बॉक्स में पैक हो जाएंगे, और अगर हार्डी प्लांट्स हैं तो वो भी अपरूट होके आसानी से पैक हो जाएंगे। तो इसीलिए अपनी चॉइसेस पे बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान रखो। अब फ्रेंड्स, हमारी तैयारी तो हो चुकी है, पैकिंग शुरू हो चुकी है। अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको कितनी दूर जाना है। अभी मेरा घर प्रयागराज में है और यहाँ से ट्रैवल करके मेरे को जाना है रायगढ़, तो इसके ट्रैवल होने में कम से कम 2 से 3 दिन का भी टाइम लग सकता है। इसीलिए पौधे हार्डी हों तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर डेलिकेट हों तो उन्हें गमलों में ही रख के आप पैक करें। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी नई जगह और ये है मेरा नया नीचे ग्राउंड फ्लोर का बड़ा सा गार्डन। देखने में बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि अच्छी मिट्टी है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी बिल्कुल रेड कलर की सॉलिड मिट्टी है, जिसके अंदर ज़्यादातर यहाँ पे मूंगफली, आलू उगाया जाता है, और कुछ मैंने सुना है कॉर्न भी उगाते हैं।
देखना होगा मिट्टी कैसा काम करती है, लेकिन फ़िलहाल मुझे चिंता अपने पौधों की हो रही है क्योंकि जल्दी से अनपैक हम पौधों को कर ही नहीं पाएंगे। मुझे कम से कम 4-5 दिन के बाद टाइम मिला कि मैं इनको अनपैक कर सकूं। सबसे पहले तो जो भी पौधे आएंगे उनको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना है, और जो अपरूटेड हैं उनको भी जैसे ही टाइम मिले आप थोड़ा सा मिट्टी वगैरह लगा के, जैसा भी मिट्टी मिले आपको उसमें लगा के हल्का सा पानी दे के छोड़ दो। इस टाइम पे ना तो आपको फर्टिलाइज़र ज़्यादा देना है ना तो पानी ज़्यादा देना है, इसीलिए इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, ये ग्राउंड फ्लोर पे पहली बार हम सीड्स लगाने जा रहे हैं। कुछ वेजिटेबल के सीड्स ऐसे होते हैं जो कि डालते ही 4 या 5 दिन के अंदर आपको रिजल्ट्स दे देते हैं, जैसे कि मूली के सीड्स और मेथी, धनिया, ये भी आप भिगो के डालेंगे तो भी ये आसानी से निकल आते हैं। तो मैंने यहाँ माली भैया से कह के थोड़ा क्यारी बनवाई है और यहाँ पे मूली, मेथी, धनिया इनके सीड्स लगवाए हैं। फ्रेंड्स, विंटर गार्डन की शुरुआत हो गई है और कुछ सीड्स मैंने लास्ट विंटर भी सेव करके रखे थे, उनको भी मैं धीरे धीरे लगाती जाऊंगी। इस टाइम पे कैलेंडुला ज़रूर लगाना चाहिए, ये इतनी आसानी से ग्रो होते हैं मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था। तो अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए मैं इजी प्लांट्स को ही पहले लगाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे नई मिट्टी और नया टेम्परेचर है, पता नहीं क्या लगेगा जल्दी और क्या नहीं। इसीलिए ऐसे प्लांट्स को चूज़ करो जो कि आप जानते हो उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, ख़त्म हो रही हैं आज की गार्डन की बातें। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। फिर मिलेंगे और भी जानकारी वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।